अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो एडिटिंग सीरीज़ का आगाज़। ये सीरीज़ उन बिगनर्स के लिए है जो अपना वीडियो एडिटिंग करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर अपनी वीडियो यूट्यूब वीडियो एडिट करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह की इंस्टाग्राम या टिकटॉक रील जो ट्रेंडिंग आजकल एडिटिंग चल रही है उस तरह की एडिटिंग करना चाह रहे हैं। आप लोगों को समझ नहीं आती कि किस तरह से एडिट करते हैं और आप डिफरेंट रील्स देखते हो, डिफरेंट वीडियोज़ देखते हो, तो उस तरह की एडिटिंग आप किस तरह से कर पाओगे, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। सबसे जो अमेजिंग पार्ट है इस पूरे कोर्स का, पूरी सीरीज़ का, जो वीडियो एडिटर हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं वो इंतहाई सिंपल, इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके ऊपर आपको किसी किस्म की पेमेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकेंगे। इसके साथ साथ आप लैपटॉप पर भी, चाहे वो विंडोज़ है या मैक है, और मोबाइल के ऊपर चाहे वो आईफोन है या एंड्रॉयड फ़ोन है, उसके ऊपर भी इस पूरी सीरीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। मतलब अगर आपके पास लैपटॉप नहीं भी है, मोबाइल है, तब भी आप बहुत ही प्रोफेशनली अच्छे तरीके से अपनी वीडियोस या रील्स को एडिट कर पाओगे और अपनी वीडियोस को एक नेक्स्ट लेवल एडिट कर पाओगे, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर एडिटर, वीडियो एडिटर्स के अबाउट बात करेंगे और हम किस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेंगे और क्यों काम करेंगे, इस चीज़ के अबाउट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अबाउट जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं वीडियो एडिटिंग पर्पसेस के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो अवेलेबल हैं जिनके अंदर प्रीमियर प्रो आ जाता है, आफ्टर इफेक्ट आ जाता है, फाइनल कट प्रो आ जाता है, इसके अलावा फिल्मोरा जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है नॉर्मल बिगनर्स के अंदर, राइट। इसके बाद आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है जिसका नाम है VN, व्लॉग नाउ, राइट। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप बहुत ही आसानी से किसी भी तरह की वीडियो एडिट कर पाओगे और इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले हैं और मैं आपको प्रो लेवल सिखाऊंगा कि किस तरह से आप हर वो ट्रेंडिंग और हर वो एडवांस काम इस सिंपल सॉफ्टवेयर के अंदर कर पाओगे, चाहे आप मोबाइल के अंदर हैं, चाहे आप लैपटॉप के अंदर हैं। सेम इंटरफेस है, सेम ऑप्शंस हैं, किसी किस्म का कोई वाटरमार्क आपको वीडियो के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ईजिली आप इसको यूज़ कर पाओगे, राइट। तो इस पूरे वीडियो सीरीज़ के अंदर हम इस व्लॉग नाउ या VN एडिटर के ऊपर काम करेंगे और मैं आपको A to Z सिखाऊंगा। अब नो डाउट प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो और आफ्टर इफेक्ट ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर्स हैं। इसके अलावा फिल्मोरा भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन VN ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले बात कि मोबाइल और लैपटॉप के अंदर ईजिली अवेलेबल है, ईजिली आप एक्सेस कर पाओगे, सेम ऑप्शन, सेम इंटरफेस, कोई डिफरेंस नहीं है। सेकेंड बात, आपको किसी किस्म का पे करने की ज़रूरत नहीं है, कम्प्लीटली फ्री है, किसी किस्म का वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा और वो सारे काम जो आप फिल्मोरा के अंदर कर पाओगे इसके अंदर भी कर पाओगे, राइट। अब प्रीमियर प्रो और फाइनल कट प्रो और आफ्टर इफेक्ट ये थोड़े एडवांस लेवल के आ जाएंगे और ये वीडियो मैं बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ जो अपना करियर जस्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इनको बेसिक एडिटिंग चाहिए, अपनी यूट्यूब वीडियोज़ एडिट कर पाएँ, अपनी रील्स एडिट कर पाएँ और इसके अलावा अपने इंस्टाग्राम रील्स एडिट कर पाएँ, टिकटॉक की वीडियोज़ एडिट कर पाएँ, उन लोगों के लिए, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह पर आप VN को इंस्टॉल कर पाओगे अपने लैपटॉप के अंदर। मेरे पास मैक है, हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, आप अपने मोबाइल के अंदर भी इंस्टॉल कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं किस तरह से हम इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे और फिर मज़ीद इसको लर्न करना स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक टाइमली मैनर्स के अंदर अवेलेबल हो सके। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से आप VN एडिटर ऐप किस तरह से आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे पहले कुछ बातें मैं आपको बताता चलूं कि इस लेक्चर के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप मैक के ऊपर आप VN एडिटर ऐप इंस्टॉल करोगे। इसके साथ साथ ये ऐप एंड्रॉयड के अंदर भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर के अंदर जाएं, सिंपल VN लिखें और आपको ऐप इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल इंस्टॉल कर लें। उसके साथ साथ अगर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर के अंदर जाएं और VN लिखें और आप उसको इंस्टॉल कर लें। विंडोज़ के अंदर भी आप सेम इसी तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इन सब स्क्रीन के ऊपर या सब डिवाइसेस के ऊपर किस तरह से आप ये एडिटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके पास कोई भी डिवाइस है आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ये एडिटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। जी, तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास ये वेबसाइट है vlognow.me, राइट। इस वेबसाइट के ऊपर आपने आना है। अगर आप लैपटॉप या
के ऊपर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तब आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है और यहाँ से आपको इंस्टॉल करना है ये सॉफ्टवेयर, चाहे आप मैक के ऊपर आना चाहें, विंडोज़ के लिए आना चाहें। अगर ऐप स्टोर और प्ले स्टोर का भी यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली आप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के अंदर जो है वहाँ पे VN लिखे आपको सॉफ्टवेयर नज़र आ जाएगा। कुछ इस तरह से इसका लोगो है, इसको आप सिंपल इंस्टॉल करोगे। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये इंस्टॉल्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है। कुछ इस तरह से इसका बेसिक सा इंटरफेस है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट बना चुका हूँ। यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपने साइन अप कर लेना। अगर साइन अप ना भी करें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस है। यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं कि राइट नाउ मैंने कोई भी प्रोजेक्ट इसके ऊपर क्रिएट नहीं किया हुआ, तो ये बिल्कुल एम्प्टी शो करवा रहा है मुझे। क्रिएशन किट्स हैं मेरे पास, कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की हुई हैं प्रीवियस की। कुछ फेवरेट्स अगर मैं करना चाहूँ डिफ़ॉल्ट, ये मेरे पास स्क्रीन नज़र आते हैं, और स्टॉक जो मैंने इंपोर्ट किए हैं इसके अंदर। यहाँ पे हमारे पास कुछ फिल्टर्स हैं, म्यूज़िक है, साउंड इफेक्ट्स हैं, फॉन्ट्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, इनको भी आप देख सकते हो, लेकिन हम राइट नाउ इसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं, यहाँ पे कुछ प्रेफरेंसेस हैं, मतलब कुछ प्री डिफाइन अगर आप सेटिंग्स करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन इनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है और मैं इनको अभी बिल्कुल टच नहीं कर रहा, राइट। उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। सिंपल इस पर जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो ये था बेसिक सा इंस्टॉलेशन और बेसिक सा ओवरव्यू इस सॉफ्टवेयर का। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस पूरे इंटरफेस का मैं एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, और डोंट वरी मैं आप लोगों को एक एक ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है उसके बारे में बताऊंगा और उसको प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस आप तक टाइमली मैनर में पहुंच सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपने जो VN एडिटर ऐप है उसका इंटरफेस के अबाउट स्टडी करेंगे, देखेंगे, और इसके साथ साथ उसके अंदर जो भी ऑप्शंस मौजूद हैं सारे उनको मैं डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस ऑप्शन का क्या मतलब है, और आगे चल के हम उनको प्रैक्टिकली यूज़ भी करेंगे। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और चल के देखते हैं उन सारी चीज़ों के अबाउट। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास इंटरफेस था लास्ट टाइम। सिंपल यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो, एडिटिंग स्टार्ट करते हो, तो आपको क्लिक करना पड़ता है न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इन सारे ऑप्शंस की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ गाइड के ऑप्शंस हैं, अगर आपको कोई किस किस्म की हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके हेल्प ले सकते हैं। किस किस्म का ट्यूटोरियल देखना है इनका या वट एवर, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ये जो इंटरफेस नज़र आ रहा है इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। देखें इस तरह से कुछ और इस तरह से कुछ, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसी तरह से हम इसको रखेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ से भी सेम आप क्या कर सकते हैं, हेल्प के रेलिवेंट उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इसको मैं कट कर देता हूँ अभी के लिए, और ये ऑप्शन हो गए। उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे ऑप्शन है स्टॉक, हमें कोई भी वीडियो अपने लैपटॉप से, कोई भी इमेज, कोई भी टेक्स्ट, कुछ भी अपने लैपटॉप से यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे देखें माय स्टॉक्स के अंदर आएंगे और यहाँ पे देखें माय स्टॉक, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो देखें इंपोर्ट का ऑप्शन है। सिंपल ये आपका जो है, आप कोई भी इमेज यहाँ से या कोई भी वीडियो या जिसको आप एडिट करना चाह रहे हैं उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर पाएंगे, राइट, इस तरह से। उसके बाद यहाँ से डिफ़ॉल्ट इन्हीं की तरफ से कुछ चीज़ें हैं मौजूद। आप कोई चीज़ आप फेवरेट करेंगे, लेट्स से आप इसको जो है फेवरेट करना चाहें तो ये फिर इस सेक्शन के अंदर शो हो जाएगी, राइट। तो इसको मैं राइट नाउ अनफेवरेट कर देता हूँ, इसको मैं अनफेवरेट कर देता हूँ, राइट, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आपको जितना भी आपका स्टॉक है, आपकी वीडियो एडिट्स हैं, सॉरी जो आपने इंपोर्ट की हुई है रॉ के अंदर, जिनको आप एडिट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं टाइटल्स, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिनको आप अपने वीडियोस के अंदर यूज़ कर पाएंगे। म्यूज़िक है यहाँ पे, म्यूज़िक इनका ऑलरेडी गिवन है, उसको आप यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, अपना म्यूज़िक भी यहाँ पे इंपोर्ट कर पाएंगे यहाँ से अपने लैपटॉप से। इसके बाद यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, कार्टूनिश हैं, फ़नी हैं, जिस तरह से अक्सर आप देखते हो कि वीडियो के बैकग्राउंड के अंदर कोई फ़नी साउंड आ रहा होता है, तो वो आप यहाँ पे क्या कर पाओगे, देख पाओगे, उनको यूज़ कर पाओगे, राइट। मैं एक आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे यहाँ पे, और मैं इसको प्ले करता हूँ,
समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से आप इसको यूज कर पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ें ऐड की, अब इसको मैं वापस लेके जाना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं इस पर क्लिक करूँगा और वो गायब हो जाएगा। रीडू और अंडू का ये ऑप्शंस हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखें कुछ टाइमलाइंस के ऊपर कुछ चीज़ हैं। ये टाइमलाइंस क्या होती हैं, आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे देखें, इनके अंदर से मुझे अगर कोई टाइमलाइन गायब करनी है या ऐड करनी है, तो मैं इन ऑप्शन से ऐड करूँगा। लेट्स से मैं अगर ये वाली म्यूजिक वाली टाइमलाइन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। अगर ऐड करनी है दोबारा, इसी तरह टेक्स्ट वाली नहीं चाहिए, तो इसी तरह इनको कर सकूंगा। और यहाँ पे हमारे पास माइक है, मैं वॉइस ओवर कर सकता हूँ किसी भी वीडियो के लिए इसको यूज़ करते हुए, तो बाद में चल के देखेंगे हम आगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे हम अपनी वीडियो के डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, हम किस चीज़ के लिए एडिट करना चाह रहे हैं। अगर मैं टिकटॉक के लिए एडिट करूँगा, तो देखें टिकटॉक वाला फॉर्मेट यहाँ पे आ चुका है। और अगर मैं इंस्टाग्राम वाला यूज़ करूँगा, तो देखें इंस्टाग्राम वाला फॉर्मेट। यूट्यूब के लिए एडिट कर रहा हूँ, तो यूट्यूब वाला फॉर्मेट यहाँ पे शो हो जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे एक वीडियो ज़रा ऐड करता हूँ, उसके बाद ये ऑप्शन मेरे पास अनलॉक होंगे। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और यहाँ पे देखें ये ऑप्शन है हमारे पास डिफरेंट जो है कलर्स के रेलिवेंट। हमारे पास फिल्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको आप क्या कर सकोगे, ऐड कर सकोगे, और उनको उनकी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कुछ इस तरह से अप्लाई कर सकोगे अपने उसके अंदर। उसके बाद अपने वीडियो के कलर करेक्शन, आप यहाँ से किसी भी तरह के कलर करेक्शन यहाँ पे कर पाओगे आप, ठीक है। हर तरह की कलर करेक्शन अपनी वीडियो की आप यहाँ से कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन है स्पीड का। अगर आप अपनी वीडियो के स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें, स्लोमो बनाना चाहें, तो यहाँ से आप उनको यूज़ कर पाएंगे। आगे चल के हम इसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे, राइट। उसके बाद अपनी वीडियो की साउंड को आप इंक्रीज करना चाहें, कम करना चाहें, वो सारे साउंड कंट्रोल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ब्लर कितना करना चाह रहे हैं, ये देखें साइडों से जो ब्लर है वो कितना करना चाह रहे हैं, उसका यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद हम यहाँ पे अगर कोई जो है बॉर्डर ऐड करना चाहें इस वीडियो के इर्द गिर्द, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे जूम आउट, जूम इन। अगर मैं इनको जूम आउट जूम इन करना चाहूँ, तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन राइट नाउ इसको नन रहने देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास ओपेसिटी, हम अपने वीडियो की ओपेसिटी कम या ज़्यादा करना चाहें कुछ इस तरह से, तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शंस हो गए। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिक्स इंटरफेस देखा था VN एडिटर ऐप का, और अभी हम सिर्फ एडिटर का इंटरफेस ही डिस्कस कर रहे हैं, और सिंगल सिंगल ऑप्शन को मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है, कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी रैंडम लग सकती हैं, लेकिन आगे चल के जब हम प्रैक्टिकली एडिट करेंगे और आप सारी चीज़ों को देखोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें कंबाइन नज़र आ जाएंगी। तो डोंट वरी एट ऑल। आज हम बात करेंगे लेयर्स के अबाउट, लेयर्स क्या होती है और किस तरह से वो काम करते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, उनको देखते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें हमारे पास ये कुछ इस तरह से लेयर्स शो हो रही हैं। देखिए लेयर्स का काम ये होता है कि आप अपनी जो वीडियो एडिट कर रहे हैं वो लेयर्स के फॉर्म के अंदर होते हैं। कोई भी एडिटर दुनिया का आप उठा के देख लें, उसके अंदर लेयर्स आपको ज़रूर मिलेंगी। मतलब एक लेयर के ऊपर आपने साउंड ऐड कर लिए, एक पे आपने इफेक्ट ऐड कर लिए, एक पे आपने वीडियो ऐड कर ली, फिर नेक्स्ट के ऊपर आपने फिर वीडियो ऐड कर ली, एक बैकग्राउंड के ऊपर वीडियो ऐड कर ली, एक लेयर के ऊपर फ्रंट एंड के ऊपर आपने वीडियो ऐड कर ली। अक्सर आपको मेरी वीडियोस नज़र आती होंगी कि पूरी वीडियो एडिट इस तरह से है, और बैकग्राउंड स्क्रीन रिकॉर्ड चल रही है, और सामने मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इस तरह से, जिस तरह से ये वीडियो आप देख पा रहे हो। तो एक बैकग्राउंड लेयर पे ऐड कर ली, एक फ्रंट लेयर के ऊपर ऐड कर ली, और इस तरह से आप किस तरह से कर पाओगे, राइट। तो ये सारे काम लेयर से हम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है लेयर्स मौजूद हैं। साउंड आप इस लेयर के अंदर ऐड करोगे, टेक्स्ट ऐड करोगे, उसके अलावा कोई एनिमेशन या वो सारी चीज़ें ऐड करोगे, और वीडियो का यहाँ पे देखिए आप ऐड करोगे। यहाँ पे साउंड है, साउंड को एडजस्ट करना है, तो आप इस लेयर का यूज़ करोगे, राइट। तो अब लेयर्स को किस तरह से यूज़ करना है, अब हम यहाँ से कोई भी वीडियो, यहाँ स्टॉक के अंदर हमारे पास वीडियोज मौजूद हैं, राइट क्लिक करके इम्पोर्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप से या मोबाइल से। तो यहाँ से हम हमारे पास जो ऑलरेडी इम्पोर्ट है उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस लेयर के ऊपर, और यहाँ पे देखें हमारे पास वो वीडियो आ चुकी है। तो इस तरह से ये फर्स्ट लेयर। अब मैं इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देखिए मेरे पास डिफरेंट टेक्स्ट नज़र आ गए हैं। मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को यहाँ से उठा के इधर देखें इसी लेयर के ऊपर छोड़ दूँगा। अब यहाँ पे देखें टेक्स्ट आ गया, ठीक, और ये हमारे पास टेक्स्ट है, तो इसको मैं अब एडजस्ट कर पाऊंगा, कहीं पे भी लिख पाऊंगा, और इसको मैं बिल्कुल
इस तरह से एडजस्ट कर सकूंगा। एडजस्ट करने के बाद जैसे मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास कुछ और ऑप्शंस नज़र आ गए। मैं इसके ऊपर मज़ीद एडिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें इसके ऑप्शंस मेरे सामने शो हो गए। ठीक है, इस टेक्स्ट को मैंने चेंज करना है, इसका मैंने फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, ठीक है, तो मैं वो यहाँ से कर पाऊँगा। ठीक है, इसके बाद मैंने इसका कलर चेंज करना है, कुछ इस तरह से करना है ऐड, तो मैं इस तरह से इसको क्या कर पाऊँगा, एडिट कर पाऊँगा। इसके अलावा इसकी अलाइनमेंट में यहाँ से चेंज कर पाऊँगा। इसके अलावा इसकी ओपेसिटी मुझे कितनी रखनी है वो मैं यहाँ से इसको कम या ज़्यादा कर पाऊँगा। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर मोशन में ऐड करना चाहूँ तो वो देखें यहाँ पर मैं ऐड कर पाऊँगा। ठीक है, इसी के साथ साथ इसकी ओपेसिटी अगेन यहाँ पे एडिट करता हूँ। तो ये ऑप्शंस आ गए। तो अब हर लेयर के अंदर जब आप चीज़ ऐड करते हो तो ये वाले जो ऑप्शंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट वाले पे ऐड किया तो ये और ऑप्शन आए, अगर मैं वीडियो वाले पे क्लिक करूँगा तो ये देखें और ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, थोड़े से ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट जो आप यूज़ कर रहे हो अपने वीडियो के अंदर उसके मुताबिक ये ऑप्शन चेंज होंगे और आप उसकी सेटिंग्स करोगे। राइट, उसके साथ साथ हमारे पास ये लेयर्स की आपको बात आई होप समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन वाले ऑप्शंस को, जो हमारे पास नीचे की तरफ ऑप्शन मौजूद हैं, इनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा जो है इंटरफेस कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम फाइनली एडिट की तरफ जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। इस थर्ड पार्ट के अंदर जिसके अंदर मैं आपको सिखा रहा हूँ VN एडिटर ऐप का बस इंटरफेस हम देख रहे हैं, तो आज हम कुछ और मज़ीद ऑप्शंस को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए हमने सक्सेसफुली जो है ये वाले ऑप्शन सारे डिस्कस कर चुके हैं, उसके अलावा हम लेयर्स के अबाउट डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ये वाले कुछ ऑप्शन हैं जिनके अबाउट हमने डिस्कस नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये ऑप्शन है FX का। आप किसी भी तरह के इफ़ेक्ट्स देखते हैं डिफरेंट वीडियोस के अंदर, तो लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे मैं एक इफ़ेक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे इफेक्ट्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए बहुत सारे इफ़ेक्ट्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे ये वाला इफ़ेक्ट मुझे चाहिए तो वो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गया। इसको मैं यहाँ से एडजस्ट भी कर सकता हूँ कहीं पर भी, जहाँ पर भी मुझे वो चाहिए। तो यहाँ पे देखें, अगर मैंने यहाँ पे वो इफ़ेक्ट्स ऐड कर दिया और यहाँ पे देखें अब किस तरह से मेरी वीडियो शो होगी उस इफ़ेक्ट्स के साथ। तो यहाँ पे देखिए वो इफेक्ट आपको नजर आया। राइट, इस तरह से आप डिफरेंट इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अब मुझे दोबारा से इफेक्ट चेंज करना है तो यहाँ पे देखें इस इफेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और मुझे इफेक्ट कोई और चाहिए तो मैं वो यहाँ से इफेक्ट लगा दूंगा। पूरी वीडियो के अंदर जहाँ जहाँ पे भी आप चाहें इसकी मदद से आप डिफरेंट इफेक्ट्स लगा सकते हैं। अलॉट ऑफ इफेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। राइट, अब मुझे इस इफेक्ट को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, इफेक्ट्स पे जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा और क्या करूँगा, सिंपल डिलीट का बटन प्रेस कर दूँगा या फिर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है नन का। तो देखें कोई इफेक्ट नहीं है, अब मेरी वीडियो वैसे रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं लगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अभी अगेन इफेक्ट मेरे पास शो हो रहा है, उसको मैं क्या कर देता हूँ, नन पे कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब इफेक्ट जो है वो हट चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ट्रिम का। मैं अपनी वीडियो को ट्रिम करना चाहूँ, मतलब कट आउट करना चाहूँ कहाँ तक मुझे वीडियो चाहिए। वैसे ये अप्रोच अच्छी नहीं है, आप इसको चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से ट्रिम नहीं करता, मैं इसको कट आउट करता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है स्प्लिट का। ठीक है, इस वीडियो का लेट सपोज यहाँ तक मुझे इसको कट करना है तो मैं यहाँ स्प्लिट पर क्लिक करूँगा, ये दोनों पार्ट अलहदा होंगे। इसको मैं डिलीट करना चाहूँ, इसको मैं डिलीट कर दूँगा। राइट, इस तरह से मैं अपने वीडियोज़ के अंदर कट लगाता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ये डुप्लीकेट का। अगर इस वीडियो को मैं डुप्लीकेट करना चाहूँ तो सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और ये देखें डुप्लीकेट हो गया। या आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह डुप्लीकेट करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब कोई भी एलिमेंट को अगर आप डुप्लीकेट करना चाहें, आप बार बार नहीं लिखना चाह रहे एक टेक्स्ट के ऊपर, लेट्स सपोज आपने ये टेक्स्ट लिया, इसके ऊपर जो भी सेटिंग्स आपने अप्लाई की, ठीक है, वो यहाँ पे आप रख रहे हो, ठीक है, और इसको डुप्लीकेट करना है तो आप यहाँ से भी डुप्लीकेट कर पाओगे और इस टेक्स्ट को फिर मतलब नेक्स्ट उस पर यूज़ करोगे। अक्सर रील्स के ऊपर आपने देखा होगा कि लोग बोल रहे हैं और उनका टेक्स्ट सामने शो हो रहा है, ठीक है, तो वो इस तरह से यूज़ होगा। आगे चल के मैं इसको प्रैक्टिकली भी आपको एक वीडियो इस तरह की एडिट करके दिखाऊंगा। राइट, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन था एक्सट्रैक्ट ऑडियो।
मैं अगर इसकी ऑडियो, इस वीडियो की ऑडियो निकालना चाहूँ तो यहाँ पे देखें, मैंने जैसे एक्सट्रैक्ट ऑडियो किया तो वो ऑडियो अलग होगी, वीडियो अलग होगी। अब ऑडियो को मैं अलग से एडिट कर सकता हूँ और वीडियो को अलग से एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको वापस उधर ही लेके आता हूँ। उसके बाद स्प्लिट का ऑप्शन देख लिया। अब कोई चीज़ मुझे डिलीट करनी है तो सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमारे पास है डिलीट का ऑप्शन। तो यहाँ पर देखें, ये अभी अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो ये देखिए दो सेक्शंस आ गए। अब मुझे यहाँ पे ये सेक्शन डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये सेक्शन डिलीट हो जाएगा पार्ट, ये जो वीडियो का पार्ट है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे क्रॉप का। अगर मैं अपनी वीडियो को क्रॉप करना चाहूँ कहीं तक भी तो इस तरह से मैं उसको क्रॉप कर सकता हूँ, राइट। और अगर डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर क्रॉप, ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्मेट्स दिए गए। अगर फ्री क्रॉप करना चाह रहे हैं अपनी मर्जी से तो इसको यूज़ करेंगे। अगर किसी स्पेसिफिक डायमेंशन के अंदर करना चाह रहे हैं तो जैसे इंस्टाग्राम के लिए इस तरह से, तो यहाँ पे देखें इनको आप यूज़ कर सकते हैं, इन प्रीसेट्स को। मैं इसको ओरिजिनल पर रहने देता हूँ और कट कर देता हूँ, राइट। इस ऑप्शन से आप ये यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मिरर का। आप अपनी वीडियो को चेंज करना चाहें, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास है, इसको मैंने मिरर किया, ये देखें आप अपने वीडियो को मिरर कर सकते हैं। उसके बाद फ्लिप करना चाहें वर्टिकली तो इस तरह से इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए फिल कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक और, मैं यहाँ पे एक लेता हूँ, ये मैंने इस वीडियो के ऊपर ये चीज़ एक और जो है पिक्चर एडिट की कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि ये हाफ शो ना हो बल्कि पूरी स्क्रीन के ऊपर शो हो, तो यहाँ पे ऑप्शन है फिल। मैंने इस पर क्लिक किया और फिल पे क्लिक करूँगा तो देखें वो स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल फिट आ गई, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है रिवर्स का। अगर मैं इस पूरी वीडियो को रिवर्स करना चाहूँ, अक्सर आपने वीडियोस को देखा होगा, मैं आपको इसका भी एक डेमो दिखाऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग, कि लोगों ने वीडियोस रिवर्स की होंगी, वो अगर पानी में छलांग लगा रहे हैं तो फिर ऐसा होता है कि पानी से वो वापस निकल रहे हैं, तो वो नॉर्मली रिकॉर्ड इस तरह से कर लेते हैं, पानी में छलांग लगा दी और उसके बाद वीडियोस को रिवर्स कर लेते हैं, वो ऐसा लगता है कि पानी से आप वापस आ रहे हो, राइट। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है फ्रीज। अगर कोई वीडियो एलिमेंट में आप चीज़ भूल गए हो और उसको आप अब ऐड करना चाह रहे हो तो आप अपनी वीडियो को यहाँ पर फ्रीज करके वॉइस ओवर या कोई टेक्स्ट उस चीज़ पर ऐड कर दोगे, तो इस चीज़ का ऑप्शन इस तरह से यूज़ करेंगे। उसके बाद है फॉरवर्ड। अगर इस ऑप्शन को आप ऊपर लेके जाना चाहो इस वाली लेयर के अंदर, लेट्स सपोज मैं इसको कटआउट कर लेता हूँ, ये मेरे पास कटआउट हो गई। अगर इस लेयर को मैं ऊपर लेके जाना चाहूँ तो मैं क्लिक करूँगा फॉरवर्ड के ऊपर, यहाँ पे देखें इसके ऊपर ऊपर वाली लेयर पे मेरी जो वीडियो है वो चली गई, राइट। तो ये वाले कुछ ऑप्शन थे। अब यहाँ पे देखें ये जो नीचे वाले ऑप्शन हैं ये भी हर लेयर के रेलिवेंट डिफरेंट होंगे। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें आपको एक मास्क का ऑप्शन नज़र आएगा, जो कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो शो नहीं होगा, राइट। तो इस वाले पे क्लिक करूँ तो मास्क का ऑप्शन शो होगा। तो इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर मैं किसी भी एलिमेंट पे यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पे देखें ये मेरे पास ऑप्शन शो हो रहे हैं, डिलीट करना चाहूँ, डुप्लीकेट, कर्व के बारे में बताऊँगा और की फ्रेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बावजूद भी मैं आपको डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ, राइट। तो ये थे कुछ इंटरफेस के अबाउट, हमने बहुत ही डिटेल के अंदर बात कर ली। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं डायरेक्टली आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप वीडियोस एडिट कर पाओगे इस पूरे सिस्टम को यूज़ करते हुए बहुत ही इजीली। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा एक रियल टाइम वीडियो, एक YouTube वीडियो। जिस तरह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, सामने स्क्रीन चल रही है और साइड पे जो है एक मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है, और लैपटॉप स्क्रीन एक साइड पे चल रही है और एक साइड पे जो है कैम वीडियो चल रही है, राइट। इस तरह की एक वीडियो मैं आप लोगों को एडिट करके दिखाऊंगा VN के अंदर। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से ये हम एडिट कर पाएंगे। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे सिंपल आप क्लिक करोगे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, सिंपल सेम आपको उसी तरह से कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और यहाँ पे मेरे पास क्या है जो है वॉइस रिकॉर्डिंग है या कैम रिकॉर्डिंग है, राइट। तो इसको मैं क्या करूँगा, सिंपल सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा इस टाइमलाइन के ऊपर जो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये टाइमलाइन पे मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और ये मैं यहाँ पे ले आया हूँ। उसके बाद ये मेरे पास एक वीडियो है जो है, और इसको मैं लेके आऊँगा इसके ऊपर वाली लेयर पे, एग्जैक्टली ऊपर वाली लेयर पे इस तरह से, राइट। अब यहाँ पे देखें ये वीडियो आ चुकी है। अब एक वीडियो बैकग्राउंड के ऊपर है, एक वीडियो फ्रंट ग्राउंड के ऊपर है।
अब क्या करना है आपको, जो भी कट करने हैं इसके अंदर, कोई भी चीज़ें कट एड करनी है, लेट्स सपोज मुझे ये वीडियो यहाँ से कट करनी है और ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर दूंगा और सिंपल मैं इसको, ठीक है, ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं यहाँ से इस तरह से ट्रिम करके डिलीट कर दूंगा और अगेन मैं क्या करूँगा यहाँ पे ये सेकंड वीडियो अपनी ले आऊँगा और इसको मैं यहाँ पर कुछ एडजस्ट कर लूँगा। ये इसको भी मुझे कट आउट करना है तो यहाँ पे देखें मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे इसको स्प्लिट करके ये वाला सेक्शन मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं कुछ इस तरह से ले आऊँगा। अब यहाँ पे देखें आप लोग कि ये दोनों वीडियोस मैंने बेसिकली रैंडम सिर्फ उठाई हैं, तो आप इनको आपकी वीडियो, आपकी जो ओरिजिनल वीडियो आप वो यूज़ करोगे, राइट। अब इस वाले सेक्शन को मुझे एडिट करना है, ये जो फ्रंट के ऊपर अब कुछ इस तरह से देखें हमारे जो बैकग्राउंड स्क्रीन वो अच्छे से नज़र नहीं आ रही, तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा मास्क का, तो सिंपल इस वाली वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करके जो मैंने मास्क करनी है और मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ चुके हैं। इसको मुझे सर्कल के अंदर करना है तो यहाँ पे देखिए मेरे पास सर्कल है, इसको मुझे मज़ीद बड़ा करना है तो इस तरह से मैं इसको कर पाऊँगा, राइट। और अगर मुझे कोई और शेप चाहिए उसके अंदर मैं इसको सेटिंग करना चाहूँ तो मैं वो कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, लेकिन मुझे सर्कल चाहिए तो, और ये सर्कल आ गया, इसको मैं थोड़ा सा क्या कर लूँगा, छोटा कर लूँगा और मास्क के ऊपर मैं ज़रा इसको एडजस्ट कर लूँगा। मास्क पे क्लिक करके मैं इसको एडजस्ट कर लिया और इसको मैंने उठा के इधर साइड पे रख दिया। अब यहाँ पे देखें अगर मैं दोनों वीडियोस को चलाऊं तो कुछ इस तरह से मेरे पास वो स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो, जो वो स्क्रीन रिकॉर्ड है वो भी चल रही है और यहाँ पे मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जैसा कि ये वीडियो आप मेरी देख रहे हैं, तो ये चीज़ें होगी। अब इसके साथ साथ आपको कुछ बटन्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे सब्सक्राइब ना हो के और ये सारे, तो वो आप क्या करोगे, सिंपल आप गूगल के ऊपर जाओगे और यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन लाइक वीडियो या सब्सक्राइब वीडियो इस तरह से आप लिखोगे तो आपको डिफरेंट क्या मिल जाएंगी, ग्रीन स्क्रीन मिल जाएंगी। देखें यहाँ पे ये मेरे पास एक ग्रीन स्क्रीन है, इसको मैं क्या करूँगा सिंपल डाउनलोड करूँगा, जिस चीज़ की भी आपको ग्रीन स्क्रीन चाहिए उसको आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, तो मैं इसको क्या कर लूँगा डाउनलोड कर लूँगा। आई थिंक ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं अपने एडिटर के ऊपर वापस चलता हूँ और यहाँ पे देखें इसके ऊपर मैं अगेन क्लिक करूँगा और यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले उसको इम्पोर्ट करूँगा, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया इम्पोर्ट और यहाँ पे देखें ये ग्रीन स्क्रीन आ गई, इसको मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया, इसको अगेन उठा के इसके ऊपर रख दूँगा मैं इस वीडियो के, तो यहाँ पे देखें ये वीडियो आ गई। अब मुझे क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन वाला पार्ट पहले तो मैं इसको क्या कर देता हूँ फिल कर देता हूँ और फिर मुझे इसको, मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये सब्सक्राइब बटन है ये इस वाली जगह के ऊपर है, ठीक है, ये वाला सेटअप हो गया। अब मुझे ये ग्रीन स्क्रीन वाला पार्ट है रिमूव करना है तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आना चाहिए क्रोमा का, वापस स्टॉक के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे क्रोमा का, सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें ये मेरे पास एक ऑप्शन आ गया, इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करूँगा इस तरह से तो देखें वो ग्रीन स्क्रीन वाला जो ग्रीन जितना भी पार्ट था वो रिमूव हो चुका है। अब देखें कुछ इस तरह से और ये मेरे पास मेरी वीडियो आ चुकी है, तो इसको मैं जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहूँ इसको मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहूँ कुछ इस तरह से एडजस्ट कर पाऊँगा, जैसे मुझे ये लाइक बटन और इस यहाँ पे चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, और मुझे ये यहाँ पे चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे मैं इसको ऐड करना चाहूँ। अब देखें ये इस तरह से शो होगा, यहाँ पे देखिए लाइक एंड सब्सक्राइब बटन यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये होगा, इसके बाद फिर नेक्स्ट उसी तरह से आएगा, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा से उठा के क्या कर सकता हूँ नीचे की तरफ रख सकता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे भी मैं रखना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखें अगेन इस पर मैं प्ले करता हूँ तो इस तरह से वो लाइक एंड स्क्रीन वाला आएगा और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप सिंपली जो है अपना वीडियो एडिट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल अपने YouTube के लिए, अगर आपका कुछ इस तरह से सीन है तो। अब मुझे, मैं मज़ीद इस वाली वीडियो को थोड़ा सा और एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखें ये ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पे मैं इसके अंदर अगर डिफरेंट कलर्स ऐड करना चाहूँ, मैंने अपना जो है
ब्लैक एंड वाइट किया हुआ है, तो यहाँ पे देखें ये ब्लैक एंड वाइट हो गया है, तो ये अब ब्लैक एंड वाइट ही चलेगा इस तरह से। तो आई होप आपको समझ आएगा किस तरह से आप एक सिंपली सिर्फ यूट्यूब के लिए एक वीडियो एडिट कर सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सॉरी, एक्सपोर्ट करना मैं आप लोगों को यहाँ पे भूल गया। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे सिंपल एक्सपोर्ट के ऊपर, ये वाला ऑप्शन, और उसके बाद इसको यहाँ पे डेस्टिनेशन सेलेक्ट करोगे कि कहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, सेव करना चाह रहे हो। सिंपल एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी ये वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी इसी सारे फॉर्मेट के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक ट्रेंडिंग जो आजकल चल रही है रील, किस तरह से एडिट कर पाओगे। ये स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो इस तरह की हम एडिटिंग आज करने वाले हैं, जिसके ऊपर टाइम लाइन भी शो होगी उस वीडियो की, उस स्पेसिफिक वीडियो की। तो ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है टिकटॉक के ऊपर और साथ ही इंस्टाग्राम के ऊपर भी। तो हम चलते हैं आज मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखिए हमारे पास, मेरे पास जितने भी क्लिप्स थे वो मैंने यहाँ पे ऐड कर ली हैं। क्लिप्स ऐड करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जो भी मैं इफ़ेक्ट लगाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए मैं वो इफ़ेक्ट लगा सकता हूँ कुछ इस तरह से, और जितने भी मुझे इफ़ेक्ट चाहिए वो मैं यहाँ पे इफ़ेक्ट लगा सकता हूँ। ठीक है, जो भी इफ़ेक्ट हैं वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, जो भी मुझे समझ आएंगे। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने बेसिकली ये पूरी स्क्रीन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इस तरह से करके इसको प्ले करके ना ये पूरी स्क्रीन एक बार रिकॉर्ड कर लेनी है। रिकॉर्ड करने के बाद अब मैं ये ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आप क्लिक करोगे सेकेंड लेयर के ऊपर और यहाँ से स्टॉक के अंदर जाके ये देखिए मेरे पास ये स्क्रीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है इसी की, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा क्रॉप। तो सिंपल यहाँ पे मैं फ्री क्रॉप के ऊपर आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरह से क्रॉप कर लूँगा। ओके, ये मैं क्रॉप कर चुका हूँ। अब देखें इसको मैं कहीं पे भी रखना चाहूँ, इसको छोटा बड़ा करना चाहूँ तो इस तरह से कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया और यहाँ पे देखें ये मेरे पास रील आ चुकी है। इसको मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर लूँगा जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। तो बेसिकली यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, मैं इसको क्रॉप किया, फालतू पार्ट को मैंने कट आउट किया, इसको मैंने ऐड किया और यहाँ पे मैंने इसको सेट कर लिया। अब देखें कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा है, जो नीचे टाइमलाइन चल रही है और ऊपर उसी तरह से हमारी वीडियो चेंज हो रही है, पर नीचे जो भी हमारे टाइमलाइन के अंदर क्लिप्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब इसके साथ साथ आप इसके अंदर कोई भी साउंड ऐड करना चाहो तो यहाँ से साउंड ऐड कर लो। ठीक है, मैं यहाँ से ये साउंड ऐड कर लिया मैंने। ओके, और उसके बाद अगर आप मज़ीद इसके ऊपर कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहो तो कुछ इस तरह से टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे अपना वाटर मार्क यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं अपना नाम लिखूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे फॉन्ट्स पे आऊँगा और मैं यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट यूज़ कर लूँगा। लेट्स से ये वाला फॉन्ट, और इसके जो कलर्स हैं उनको मैं यहाँ से चेंज कर पाऊँगा, जो भी कलर्स मुझे चाहिए होंगे वो मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा। मुझे वाइट कलर सही लग रहा है, बिल्कुल मिनिमलिस्ट सा, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। तो ये आ गया, इसके ऊपर रख दूँगा और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास ओपेसिटी है, इसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। वाटरमार्क के अंदर ओपेसिटी थोड़ी कम होती है, तो इस तरह से मैं इस पूरी वीडियो के ऊपर ये जो है अप्लाई कर दूँगा। तो अब यहाँ पे देखें मैं साउंड को बंद कर देता हूँ कॉपीराइट की वजह से, और यहाँ पे देखें जो वीडियो है वो चल रही है उस तरह से, और हमारा वाटरमार्क भी शो हो रहा है और जो कुछ भी हम चाह रहे थे उस तरह से वो शो हो रहा है। तो ये था एक सिंपल सा ट्यूटोरियल, इस तरह से आप एक ट्रेंडिंग रील अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए बता सकते हैं, मेथड मैंने आपको बता दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली मैनेज में पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक और ट्रेंडिंग रील के अबाउट बताना चाहूँगा और उसके एडिटिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। बेसिकली आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जो है, आप गूगल अर्थ के ऊपर कोई चीज़ सर्च करते हैं किसी जगह का,
और उसके बाद वो गूगल अर्थ उस जगह के ऊपर जाता है और उसके बाद उस जगह की स्पेसिफिक फोटोज या पिक्चर्स आप वहाँ पे देखते हो, क्योंकि कुछ इस तरह से कंसेप्ट है इसका। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, VN एडिटर ऐप ऑब्वियसली, और उसके साथ साथ आपके पास एक जो है गूगल अर्थ की ऐप भी होनी चाहिए आपके मोबाइल के अंदर। तो आपने करना ये है, तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको वहाँ पे इसको एडिट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये है गूगल अर्थ, मैंने इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद जो भी सिटी या जो भी जगह है जिस जगह के अबाउट आप बताना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ और यहाँ पे वो इस तरह से इसको आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर लोगे, राइट, कुछ इस तरह से वो शो हो जाएगा। अब ये स्क्रीन आपकी रिकॉर्ड हो गई, स्क्रीन रिकॉर्ड होने के बाद मैं इसको कर दूंगा क्लोज और वापस चलूंगा अपने एडिटर ऐप के ऊपर। लेट्स से यहाँ पे मुझे क्या करनी है, अब वो जो रिकॉर्डिंग है उसको मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे इसको इम्पोर्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से ये शो होगी और इसको मैं थोड़ा सा इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर लूँगा ताकि वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। यहाँ से मेरे पास डिफरेंट प्रीसेट हैं, इनको मैं मज़ीद अच्छे से यहाँ पे सेटअप करता हूँ। अब यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट आएगा। और उसके बाद वो सिटी आने के बाद वो जगह का मैप के ऊपर शो होने के बाद उसकी जो तस्वीरें हैं या जो भी उसके सीन्स हैं वो आप इस तरह से ऐड कर सकोगे जो भी आप चाहो उसके बाद। ठीक है, कुछ इस तरह से ये कंसेप्ट है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एक इस तरह से इफ़ेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से अगर आप देखोगे लाइक दैट, और यहाँ पे आप एक और इफेक्ट ऐड करना चाहो, ठीक है, ये ऑलरेडी इसके अंदर इफेक्ट ऐड है, तो यहाँ पे देखें इस तरह से, मतलब जो जो भी आप इफेक्ट ऐड करना चाहो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास साउंड वाला लेयर है, साउंड ऐड करना चाहो अपने मुताबिक, और टेक्स्ट है, और जो कुछ भी आप यहाँ पे फिर ऐड करना चाहो उसको ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से ये एक कंसेप्ट था और इस तरह से आप एक ट्रेंडिंग रील जो है वो एडिट कर पाएंगे VN एडिटर ऐप के ऊपर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वाले वीडियो आप तक टाइम तक पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा VN ओवरले के अबाउट, बेसिकली वो क्या है। आप इस तरह से कह सकते हो कि वे प्री मेड टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं चलता हूँ VN ऐप के ऊपर और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लोग VN ओवरलेज को यूज़ कर सकते हो। तो हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैं सिंपल अपना VN एडिटर ऐप ओपन जो है वो कर लूँगा और यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाऊँगा। सॉरी, यहाँ पे देखें आप, जैसे मैं इस पे प्लस पे क्लिक करूँगा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मेरे पास आ गए और यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास ओवरले का। सिंपल इस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखें जो है वो ऑटोमेटिकली कुछ टेम्पलेट या ओवरलेज यहाँ पे मौजूद हैं, उनको मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे मैं ये वाला ओवरले यूज़ करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखें नीचे की तरफ ऑप्शन नज़र आ रहा है कि 3 फुटेजेस आप इसके अंदर यूज़ कर पाओगे, 3 फ़ोटोज़। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ और यहाँ से मैं अपने मोबाइल के अंदर से 3 फ़ोटोज़ यूज़ कर लेता हूँ। अगर मैं प्लेटफॉर्म में जाता हूँ और यहाँ पर मैं 3 फ़ोटोज़ ऐड कर लेता हूँ, राइट, तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से ये ऑटोमेटिकली जो ओवरलेज हैं वो यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन ओवरलेज का यूज़ कर सकते हैं और इनको आप क्विकली एडिट करने के लिए अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि VN के ओवरलेज क्या हैं और उनको आप किस तरह से यूज़ करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करते हुए एक अच्छी सी वीडियो प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब एक जगह पर आपका लैपटॉप पड़ा है और उसके अंदर आपकी वीडियो चल रही है या कोई भी आप कस्टम वीडियो ऐड करना चाहें तो किस तरह से ऐड करेंगे। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं किस तरह से ये सारा काम आप करेंगे। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे देखें आप लिखेंगे क्रोमा की मॉकअप्स, तो आपके पास डिफरेंट तरह के यहाँ पे मॉकअप्स आ जाएंगे। और देखें यहाँ पे मुझे एक मॉकअप मिला है, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सिंपल सेव कर लेता हूँ। इसको मैंने सेव कर लिया, सेव करने के बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे अपनी एडिटर ऐप के अंदर और यहाँ पे उस
जो पिक्चर जो मैंने सेव की थी उसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। राइट, ये यहाँ पे मेरे पास इंपोर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे इस टाइमलाइन के ऊपर मैं अपनी कोई वीडियो ऐड करता हूँ। यहाँ पे देखें, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, अब सेकेंड लेयर के ऊपर मुझे क्या करना है, इस वाली इमेज को जो ग्रीन स्क्रीन वाली इमेज है हमेशा उसको आपने सेकेंड लेयर के ऊपर ऐड करना है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद इसको मैं ज़रा क्लिक करने के बाद इसको मैं फिल के ऊपर क्लिक करूँगा। सॉरी, फिल पे अच्छा नहीं लग रहा वो, तो मैं इसको जो भी है इसको सेट कर लूँगा, जैसे भी करना चाहूँ कुछ इस तरह से। लेट्स से मतलब अभी हमारी डायमेंशन ये है, चले हम ज़रा इसकी डायमेंशन चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैं इसको इस तरह के डायमेंशन में ले आता हूँ। राइट, और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना जो है इमेज ग्रीन स्क्रीन वाला वो ऐड कर दूँगा। अब इसको मैं होल वीडियो के अंदर ऐड कर दूँगा कुछ इस तरह से, इसको स्ट्रेच कर दूँगा अपनी होल वीडियो के लिए। अभी के लिए मैं आपको इतना ही दिखा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस सेकेंड लेयर जो ग्रीन स्क्रीन वाली लेयर है इस पर मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा क्रोमा का, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसको ग्रीन स्क्रीन, इस मार्क को ग्रीन स्क्रीन जहाँ पे ग्रीन जगह है उस पर थोड़ा सा ड्रैग करूँगा। ड्रैग करने के बाद देखें यहाँ पे मेरी वीडियो आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इस वाली वीडियो पे क्लिक करूँगा और इसको एडजस्ट कर लूँगा कि मुझे कितनी इसके ऊपर दिखानी है ये। अब ये वीडियो थोड़ी सी अजीब थी, चले मैं इस वीडियो को ज़रा चेंज कर देता हूँ। लेट्स से मैं ये वाली वीडियो, क्योंकि डायमेंशंस दोनों की वर्टिकल थी, तो मैं वो वर्टिकल वाले डायमेंशंस यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ। और इसको मैं उठा के इधर ले आया और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और ये मेरे पास स्क्रीन थी, अब यहाँ पे देखें इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ज़रा। मुझे ये सेकंड वाली जो लेयर है इसको मुझे एडजस्ट करना है, इस वाली को उसके अंदर फिटिंग करना है। तो इसमें मैंने डबल क्लिक किया, इसके जो ये हैं बेजल्स वो शो हो गए और मैंने इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रोटेट करके और एडजस्ट कर लूँगा इसको। ओके, अभी देखें यहाँ पे अगर मैं इसको प्ले करूँ तो उस लैपटॉप के अंदर जो है मेरी जो वीडियो है एक्चुअल वो चल रही है। यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से। तो क्योंकि यहाँ पे जो वीडियोस थी मैंने रैंडम सी उठाई हुई थी और उन पे ज़्यादा डायमेंशन थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो आप क्या कर सकते हैं, सही डायमेंशन वाली इमेजेस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ थी, जब हम क्रोमा पे आए थे तो यहाँ पे थी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इसको आपने क्या कर देना है, हाई कर देना है, ताकि आपकी जो चीज़ें वो क्लियरली अच्छे तरीके से नज़र आए। ठीक है, अब देखें ये थोड़ा अच्छे तरीके से विजिबल हो रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये वाली एडिटिंग कर सकते हैं और किसी भी तरह की जो है मॉकअप के अंदर अपनी वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी वीडियो से साउंड को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करके अपनी वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हो। लेट्स सपोज आप टिकटॉक के ऊपर कोई रील देख रहे हो और वहाँ पे आपको एक साउंड नज़र आया, एक वीडियो नज़र आई। अब वही साउंड आपको अपनी वीडियो के अंदर यूज़ करना है। डायरेक्टली टिकटॉक की ऐप यूज़ करेंगे, वहाँ पे आपको एडिटिंग फीचर नहीं मिलते। अब वही साउंड आपको चाहिए, वो वीडियो आपने सिंपल क्या कर लेनी है, अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने आना VN एडिटर ऐप के ऊपर। तो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन, सॉरी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे आपने सिंपल इस साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, म्यूज़िक वाले पर। यहाँ पे देखिए हमारे पास म्यूज़िक का ऑप्शन है। सिंपल म्यूज़िक का ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट वीडियो फ्रॉम, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो। तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा ओके। और यहाँ पे मैंने ये वाली वीडियो जो है टिकटॉक से डाउनलोड की थी, इसका नाम मैं यूज़ कर लूँगा जो भी है, सॉन्ग है ये एक। तो मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे कस्टम साउंड्स के अंदर इसको मैंने सेव कर दिया। अब सिंपल हमारा उस वीडियो से जो भी साउंड था वो हमारा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है ये वाला। और इसको मैं क्या कर लूँगा, अपनी वीडियो के अंदर इस तरह से यूज़ कर लूँगा। तो इस तरह से आप किसी भी वीडियो का जो साउंड है उसको एक्सट्रैक्ट करके अपनी वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा।
ट्यूटोरियल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं बात करूंगा आप किस तरह से अपनी वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और ओपन करते हैं VN एडिटर ऐप। तो हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, हमने VN एडिटर जो है हमारा वो ओपन कर लिया है। सिंपल यहाँ साउंड के ऊपर आप देखेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें हमारे पास ऑप्शन आ गया है रिकॉर्ड का। सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, अब ये देखें ये वीडियो आपके सामने शो हो गई। अब जहाँ से आपने वॉइस ओवर करना स्टार्ट करना है, सिंपल आपने इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करना है, प्ले करना है और आप बोलना स्टार्ट करोगे और आपकी जो साउंड है वो इस वीडियो के अंदर ऐड होती जाएगी और एट द एंड आपकी वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर हो जाएगी, आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे। तो सिंपल सा मेथड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट करें, जरूर आपको रिस्पॉन्स करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग कह रहे होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप VN कोड्स को यूज़ करते हैं और VN कोड्स क्या होते हैं। VN कोड्स बेसिकली प्री मेड टेम्पलेट्स के कोड्स होते हैं, QR कोड्स होते हैं जिनको आप स्कैन करते हो अपने VN ऐप के अंदर और उसी तरह के टेम्पलेट आपके सामने आपके VN ऐप के अंदर आ जाती है और आप सिंपल उसके अंदर जो है अपने फुटेजेस ऐड करके और सिंपल एक्सपोर्ट कर लेते हो। मतलब आपका घंटों का काम मिनटों के अंदर हो जाएगा। तो चले चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि इसको किस तरह से करना है। तो हम सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम के ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है सिंपल हैशटैग और VN कोड, ठीक है। इसको सर्च करना है कुछ इस तरह से और आप देखें आप यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे वीडियोस आ गई हैं, बहुत सारी डिफरेंट तरह की। अब यहाँ पे देखें, लेट्स से मुझे इस तरह की वीडियो एडिट करनी है या इस तरह की वीडियो एडिट करनी है, ठीक है, या इस तरह की वीडियो एडिट करना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, इसका मैं स्क्रीन शॉट ले लूँगा। सिंपल इसको मैंने स्क्रीन शॉट ले लिया और इसको मैं अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लूँगा। ओके, तो ये मैंने सेव कर लिया। उसके बाद मैं अपने VN एडिटर में जाऊंगा और यहाँ पे सिंपल ये टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर आपको ये डॉट्स का ऑप्शन नज़र आएगा। सिंपल इस स्कैन के ऊपर क्लिक करूँगा, स्कैन के ऊपर क्लिक करूँगा और जो ये इमेज जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया था उस पर क्लिक करूँगा। सिंपल उस पर क्लिक करने के बाद क्या करेगा, हमारा VN जो ऐप है वो ऑटोमेटिकली इसको स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद इसको क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन देगा। सिंपल हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस तरह से हम अपनी फुटेजेस इसके अंदर ऐड कर देंगे और हमारी सेम इसी तरह से वीडियो जो है वो एडिट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड हो रहा है और इसका जो साउंड है और जो भी इसके रेलिवेंट जो म्यूज़िक था वो भी इम्पोर्ट हो जाएगा एज इट इज़। जस्ट हमने क्या करना है, अपनी फुटेजेस, ये वाली फुटेजेस को अपनी फुटेजेस से रिप्लेस करना है। सिंपल इतना सा काम करना है और हमारा काम हो जाएगा। अब ये बफर हो रही है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। ओके जी, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये डाउनलोड हो चुका है और ऑप्शन आ चुका है यूज़ का। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। पहले यूज़ करने से पहले हम देख लेंगे कि किस तरह की ये वीडियो, और यहाँ पे देखो कुछ और डिटेल भी आपको नज़र आ रही है कि इसके अंदर आपको 15 फुटेजेस यूज़ करनी पड़ेंगी तब आपके इस तरह से वीडियो बनेगी। तो मैं इसको प्ले कर देता हूँ तो कुछ इस तरह से आपकी एक वीडियो निकल के आएगी। बस काम ये है कि ये वाली जो फुटेजेस यूज़ हुई पड़ी हैं इनको हमने रिप्लेस करना है अपनी फुटेजेस से। सिंपल मैं क्लिक के ऊपर यूज़ करूँगा और यहाँ पे देखें ये वाली ऑप्शंस हमारे पास आ गई हैं। तो इनके ऊपर सिंपल मैं रिप्लेस करता जाऊँगा, अपनी फुटेजेस को यूज़ करता जाऊँगा और जो फुटेजेस मुझे चाहिए होंगी वो मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। लेट्स से यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ इंस्टाग्राम, सॉरी यहाँ पे मेरे पास कुछ वीडियोस होनी चाहिए। चलो VN के ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी ही वीडियोस को यूज़ कर लेता हूँ। ओके, ये देखिए मैंने सिंपल ये वीडियोस यूज़ की और नेक्स्ट पे क्लिक किया तो मेरी वीडियो क्या हो चुकी है, उस तरह से एडिट हो चुके है एग्जैक्टली। अब क्योंकि ये वीडियोस मैंने आपको जस्ट डेमो के लिए दिखाई हैं, आप अपनी फुटेजेस उसी वीडियो के लिहाज से एडिट करेंगे। अगर आपकी सीनरी है तो उसी तरह से सीन्स ऐड करेंगे और उसी डायमेंशन के अंदर। ये देखें ये वर्टिकल डायमेंशन था,
सॉरी हॉरिजेंटल डायमेंशन आपको वर्टिकल वीडियो या जिस तरह की भी आपका वी एन कोड यूज कर रहे हैं उस तरह की फुटेजेस आप क्या कर रहे हैं ऐड करेंगे। और उसके बाद मजीद आप इस पर अगर हर फुटेज पर क्लिक करेंगे उसके ऊपर कोई फिल्टर लगाना चाहें या उसको रिप्लेस करना चाहें या उसका साउंड बंद करना चाहें तो वो इस तरह से आप यहाँ से कर सकेंगे। और उसके बाद सिंपल यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और आप ये वीडियो क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से वी एन कोड्स काम करते हैं और इजीली आप इनसे अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।